नमस्कार। आप सभी लोग बड़ी शॉर्ट नोटिस में आए, मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ। मैं विषय पर आता हूँ। 35 साल राजनीतिक में काम करने के बाद माननीय प्रेम शर्मा, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो खेतवाड़ी के विधायक थे और मैं 16 साल का उनसे जुड़ा था, उनके जाने के बाद मैंने खेतवाड़ी युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद संभाला। ऐसे करते करते मैंने राष्ट्रीय युवा मोर्चा में गया, मेन स्ट्रीम के अंदर काम किया। मतलब तकरीबन प्रमोद जी जिंदा थे, प्रमोद जी के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। गोपीनाथ मुंडे जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। उनकी लीडरशिप में कमाल की लीडरशिप थी, पर आज की जो लीडरशिप है वह एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनकर रह गई है। सिर्फ पैसे से भरे हुए बैग वाले कार्यकर्ताओं की इनकमिंग होती है और जो कार्यकर्ता हैं उनकी अवमानना होती है। तो मैंने कल मेरे एक विषय में कहा था कि कार्यकर्ताओं की अवमानना से लेकर महापुरुषों तक की अवमानना करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता करते हैं। अब चंद्रकांत दादा ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अंबेडकर जी, साहू महाराज भीख मांगकर स्कूल बनाए, जो किसी के भी दिल में लगने वाली बात है, जो कोई हिंदुस्तान का 200 करोड़ आदमी इस बात को मानेगा नहीं, और उसके बावजूद भी उनकी पार्टी में उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मंगल लोढ़ा ने तो शिंदे सीएम की, जो सीएम हैं, जो शिंदे जी हैं, उनकी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। जब ऐसे बयान आते हैं तो दिल दुखता है, मन दुखता है कि इस पार्टी को 1985 से जब दो विधायकों की ये पार्टी हुआ करती थी, हमने झंडे डंडे लगाकर रात रात तक वड़ा पाव खाकर चुनाव लड़े। चुनाव में पैसे नहीं होते थे, घर के 2-5 हज़ार रुपये लाकर चुनाव में देते थे कैंडिडेट को और चुनाव लड़ा जाता था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, कॉरपोरेशन के चुनाव में घर जाकर कैंडिडेट ढूंढते थे और उसे कहते थे, आओ भैया चुनाव लड़ लो। आज पार्टी बहुत बड़ी हुई है, पर पार्टी के कुछ नेता ने पार्टी को कहीं ना कहीं गुमराह किया है। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलती है, नक्शे कदम पर चल रही है, और इसमें कार्यकर्ताओं की जो अपमान और उन्हें तकलीफ देने का काम मंगल प्रभात लोढ़ा और आशीष शेलार जैसे लोग करते हैं। आशीष भी मेरा कलीग था, लोढ़ा जी मेरे से बहुत 85 के अंदर भारतीय जनता पार्टी में आए, 95 में भारतीय जनता पार्टी में आए, और मैंने उनको डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स और मुंबई की पॉलिटिक्स दिखाई और सिखाई। मैं बहुत दुखी मन से ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी में हजारों कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में मेरे मित्र हैं, और जो मेरे मित्र हैं वो हमेशा मेरे मित्र रहेंगे। वह कभी भी मुझे याद कर सकते हैं अपने दुख में, अपने सुख में मैं उनके लिए खड़ा हूँ। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नई आइडियोलॉजी से मैं सहमत नहीं हूँ, और इसी के कारण आज मैंने नड्डा जी को लेटर देकर मेरा कार्यकर्ता का, जो मुझे 12 साल से ये लोग कहीं साइडलाइन कर रहे हैं, उसकी एक विडंबना लेकर मैंने एक नड्डा जी को पत्र लिखा है और नड्डा जी से कहा है कि मैं अब कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ श्वास लेना भारी है। लोढ़ा इतना एरोगेंट हो चुका है, आशीष शेलार इतना एरोगेंट हो चुका है, और उनके आका, लोढ़ा के आका माननीय देवेंद्र फडणवीस तो सिर्फ इनकमिंग पे भरोसा करते हैं। वो शोक खोखा उनलियो उके क्या है, वो एक जो स्लोगन है वो उन पर भी कहीं ना कहीं लागू होता है,
प्रसाद लाड़, राम कदम, कृपा शंकर सिंह, ऐसे कई लोगों को बुलाया जाता है, एमएलसी दी जाती है, विधानसभा के चुनाव की टिकटें दी जाती है, पदाधिकारी बनाए जाते हैं, और जो 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रहा है वो आज भी रोड पर घूम रहा है, जो एक कमिटेड कार्यकर्ता है। तो ये सारी बातें हैं, और मैं इस विषय को बहुत लंबा न खींचते हुए, मैं आकाश जरा झंडा दे देना मेरे को, खाली दे दे बस, उतना ही कर, झंडा निकाल दे। और मैं आज से इस पार्टी से मेरे सारे नाते तोड़ता हूँ, और सारे नाते तोड़ता हूँ। मैं आगे की मेरी जो भी राजनीतिक होगी वो मैं आपको बताऊंगा, मेरे को दे दे झंडा। तो सर पार्टी के विचार, एक मिनट, मैं इसके बाद मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा मेरे लिए वेलकम रहेंगे जो पार्टी के अंदर हैं, और सबसे ज़्यादा संघ परिवार। इसके बाद भी संघ परिवार मुझे जहाँ बुलाता था और जब भी बुलाएगा तो मैं आऊँगा, और संघ परिवार को छोड़ने का भी मुझे बहुत दुख है। दुख इसी बात का है कि आप ऊपर के नेताओं को, आप ऊपर के नेताओं को आप सेफ करते हैं और कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखते, इसलिए यह झंडा मैं आज पैक कर रहा हूं, और यह झंडा मैं तुरंत नड्डा जी को कुरियर कर दूंगा। अब इस झंडे से मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। 35 साल मुझे इस पार्टी में हुए, मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है, पर मैं बहुत खुशी भी महसूस कर रहा हूं कि आज के बाद बहुत मैं आज़ाद हूं, अब बड़े बड़े नेताओं के प्रेशर में मुझे नहीं रहना पड़ेगा। मेरा विषय समाप्त है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। मैं वही पूछती की विचारधारा से नाराज है या कुछ व्यक्ति विशेष के से लोगों से नाराज? व्यक्ति विशेष पहले नंबर पर आते हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा, आशीष शेलार और उनके आका देवेंद्र फडणवीस। इनकी जो रवैया है काम करने का, कार्यकर्ताओं को कुचलने का, और कहीं ना कहीं पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी भी बदली है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हम ये स्लोगन दे देकर बड़े हुए, और उसी कश्मीर में जाकर उन्होंने अलायंस कर लिया। तो महबूबा मुफ्ती से जो अलायंस हुआ, जो कल तक उनको गालियां देती थी, ये उनको गालियां देते थे, और राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि उन्होंने जाकर सत्ता बना ली। तो मैं इन सब बातों से बड़ा नाराज था, और इसी के लिए मैंने पार्टी छोड़ी है। थैंक यू। अब आगे भविष्य में क्या योजना है, किस तरह से? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भविष्य के अंदर मैं बहुत जल्दी खुलासा करूंगा, और मुझे महाराष्ट्र की 2-3 राजनीतिक पार्टी निरंतर मुझे कॉल कर रही थी, कुछ नेताओं ने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, पर मेरा और उनका स्वभाव भी जमता नहीं है। मेरा स्वभाव बहुत सीधे सीधे है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं लीड कर सकता हूँ कोई सब्जेक्ट को, मैं भूल भुलैया नहीं कर सकता, किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकता, कोई कार्यकर्ताओं को झूठे आश्वासन नहीं दे सकता। तो मैं वो जो पार्टियों ने जो मुझे बुलाया है तो उनको भी मैंने मना कर दिया है, पर आगे की 1-2 दिन के अंदर हम जो भी हमारी रणनीति है हम आपको बताएंगे। मौजूदा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पे किन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर, इसलिए कि राजनीति तो करनी है आपको, तो जाहिर मुद्दे भी होंगे। नहीं नहीं, बहुत आपने सही फरमाया कि ये लव जिहाद, ये हिंदू मुस्लिम, ये बहुत पुराना जुमला हो चुका है। आज का युवा नौकरी चाहता है, आज का युवा अपने घर में 2 टाइम की इज्जत से रोटी चाहता है, आज का युवा अपने परिवार में अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें वो चाहता है। आप ये देखिए, पिछले 70 सालों के अंदर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम देश के 80% लोगों को अनाज की किट भेज रहे हैं, तो आज ये भी वो सिर्फ अनाज की किट पर ही जिंदा है, ना पढ़ाई है, ना रोजगार है, ना आगे जाने का उनको कोई अवसर है। तो मेरी तो आगे की रणनीति यही होगी कि विकास, पढ़ाई लिखाई, ये मेरी आगे की रणनीति होगी, और हम इस पर राजनीतिक करेंगे, और बाकी आगे इनके जैसे मूवमेंट होंगे। मेरे लिए तो एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है,
तो मुझे दोनों से मेरे कोई रिश्ते बन नहीं सकते, और हम करेंगे मुद्दों की राजनीति करेंगे। ये लव जिहाद वगैरह हमारे समझ में नहीं आता। अगर लव जिहाद इतना बड़ा विषय बनाया गया है तो आज 350 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सरकार लेकर बैठे हैं। मोदी जी हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू की लड़की अगर मुसलमान से शादी करती है तो हिंदू के परिवार को खराब लगता है, और यही मैं कहूं कि मुसलमान की लड़की अगर हिंदू से शादी करती है तो क्या मुसलमान का परिवार खुश होता है? वो भी खुश नहीं होता। परिवार तो दोनों समाज खुश नहीं होते। जब दोनों समाज खुश नहीं होते तो आप एक कानून बना लीजिए। इतने कानून आपने धारा 370 बनाया, ये बनाया, वो बनाया कि हिंदू और मुसलमान में शादी नहीं हो सकती। आप एक कानून क्यों नहीं बना लेते? पहले तो आप उनकी शादियां होने देते हैं, और होने के बाद में लड़का या लड़की को पुलिस के माध्यम से या किसी भी प्रशासन के माध्यम से प्रेशर कर उसे एक लव जिहाद का रूप दिया जाता है, और हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया जाता है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं कोई एंटी मुस्लिम भी नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू।